इसमें लिखेंगे अरे इसमें कोई आर्टिकल थोड़ा जो उतार रहे हो, क्या उतार रहे हो भाई? क्रांतिक आयतन छोड़ो यार, तुम लिखो। क्रांतिक ताप व दाब पर, क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर, क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर गैस द्वारा घेरे गए आयतन को, गैस द्वारा घेरे गए आयतन को क्रांतिक आयतन कहते हैं। इसे कैसे दर्शाएंगे? बी सी से दर्शाते हैं, आयतन को क्रांतिक आयतन कहते हैं, इसे बी सी से दर्शाते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्रिटिकल, क्रिटिकल वॉल्यूम, जूल थॉमसन विवाह, कौन? तुमने उसका आगे नाम नहीं पढ़ा था, जूल थॉमसन, जूल अलग है, थॉमसन अलग है, ये दो वैज्ञानिक, दो आदमियों ने अलग अलग प्रैक्टिकल साझे में किया था। जूल है, थॉमसन अलग है। हाँ जय जय वाला लेंगे भाई। जब कोई गैस ये देखो सत्य क्या है, रुद्दोष में परिस्थिति में, जब कोई गैस रुद्दोष में परिस्थिति में, अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ये प्रक्रम होते हैं, रुद्दोष प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समायतन प्रक्रम, रुद्दोष में परिस्थिति में रुद्दोष में, हाँ आधा सह है ये राष्ट्रीय वाला, रुद्दोष में परिस्थिति में उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है तो उसके ताप में कमी आ जाती है, तो उसके ताप में कमी आ जाती है। यह घटना ताप में कमी प्रवाहित होती है तो उसके ताप में कमी आ जाती है, यह घटना जूल थॉमसन प्रभाव कहलाती है। उसके टेम्परेचर में कमी आ जाती है, आ जाती है, यह घटना जूल थॉमसन प्रभाव कहलाती है।
हाँ जी देखो भाई सुन लो, पहले बार बार पूछते रहोगे ऐसे। गैसीय निकाय के जो वेग होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है औसत वेग, देख लो दोबारा बताऊंगा ना फिर बाद में कहो ये क्या ही क्या है। औसत वेग इसे बी बार से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड है वर्ग माध्य मूल वेग, ये बी आर एम एस है, ठीक है ना, बी आर एम एस से प्रदर्शित करें, आर एम एस सफिक्स में लिख रहे हैं। अधिकतम प्रायिक वेग, प्रायिकता से बनता है, अधिकतम प्रायिक वेग इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। पहले वाला हेडिंग डाल देंगे इसमें, बता रहा हूँ आगे के लिए। हाँ जी, औसत वेग में लिख रहे हैं। नियत ताप टेम्परेचर, नियत ताप पर गैस के, नियत ताप पर गैस के पीछे पीछे मत बोलो, फिर दूसरे को डाउट होते हैं। गैस के अणुओं, गैस के अणुओं के माध्य को, गैस के अणुओं, रुको, गैस के अणुओं, अणुओं के वेग के माध्य को, वेग शब्द ऐड करना है, वेग के माध्यम को, माध्य को, अणु के वेग के माध्य को गैस का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं, तो सुन ले गौर, मैं दो दो तीन तीन बार वैसे ही बोलता हूँ, बार बार रिपीट करोगे ना तो वो उसमें धोखा लगता है दूसरे को ना। आज वो बेचारा आज जैसे तैसे पढ़ने की कोशिश कर दिया। हाँ सब ऐसे ना बोलन, कोई बात नहीं, छोटे छोटे पेड़ों को ऐसे ही दबा दिया जाता है। औसत वेग कहते हैं इसे, इसे इसे बी बार से प्रदर्शित करते हैं। आज आज मैं शुरू से देख रहा था, बड़ा दिल लगा के पढ़ लिया था बेचारा। ये क्या नाम है, टूटा तो ना है खैर, लेकिन डर गया वो। ये देखो, अब देखो मैंने लाइन बोल दी है, उसे बेचारे को ध्यान में इस चक्कर में ये भी नहीं होगा कि मैंने क्या बोला है, चाहे पूछ लो तुम उससे क्या। वो पड़ोसी का देख के लिख रहे हैं ना, इसलिए चलो देखो सर, ये हाजी हाजी एक ही बात है यार, अणुओं का द्रव्यमान गलत, गैस का द्रव्यमान है। हाँ सब लिख दो, एट आर टी
दूसरा हेडिंग डाल देंगे। मूल वेग आज तुम्हारी वो देखते हैं पढ़ने की समझने की क्षमता कितनी है। एक लाइन की परिभाषा है सिर्फ ये वर्ग माध्यम मूल की परिभाषा। मैं ये परिभाषा तुम्हें तीन बार बोल के दिखाऊंगा, तीन बार देखना कौन वापस सुना देगा मुझे। एक लाइन है सिर्फ, एक से दूसरी लाइन नहीं हो सकती, सिर्फ एक लाइन की परिभाषा। ठीक है, वर्ग माध्यम मूल में हैंड डाल दो और परिभाषा में पहले बोल रहा हूँ, उसके बाद लिखना तो है। देखो सर सुन लो ध्यान से, लिखने वाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखो। BRMS की परिभाषा बता रहे हैं हम, इसके इंग्लिश में जो मान होता है इसका तो वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है, इसलिए इसे BRMS कहते हैं। रूट मीन स्क्वायर मैं भी लिखवा दूंगा। रूट मतलब जो अंडर रूट होता है, मीन मतलब माध्य होता है, स्क्वायर मतलब जो वर्ग होता है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वी से मतलब वेलोसिटी वेग होता है। ठीक है ना, तो परिभाषा यहाँ से बनती है कि नियत ताप पर, नियत ताप पर किसी गैस के अणुओं के वेग के वर्ग के वर्गमूल को, ठीक है ना, वर्गमूल को वर्ग माध्यम मूल वेग कहते हैं। वेग के वर्ग, वेग के वर्ग के औसत के वर्गमूल को, ठीक है ना। अब रुक जाओ रुक जाओ, फिर दोबारा सुन लो, फिर दोबारा सुन लो। नियत ताप पर किसी गैस के अणुओं के वेग के वर्ग के औसत के वर्गमूल को वर्ग माध्यम मूल वेग कहते हैं। नियत ताप पर किसी गैस के अणुओं के वेग के वर्ग के औसत के वर्गमूल को वर्ग माध्यम मूल वेग कहते हैं। तीन हो गई, चार बार बताऊं? चलो बताओ भाई। अरे सुन लो एक मिनट, हाँ अभी अभी बता दें, कोई बात नहीं, हाँ छोड़ो तुम बताओ, कौन बता रहा है अभी, तो हाथ पता खड़े। हाँ हाँ ये तुम बताइए, अरे बैठ के बता दो, बैठ के हाय हाय लिख ली न, गड़बड़ हो गया। हाँ ये तुम बताइए, हाँ ठीक है सर, हाँ हाय हो सत्य मूल को। हाँ जी और कौन है, लिख ली क्या परिभाषा? अरे वाह, हाँ जी, अरे सुन, हाँ मूल के हाँ जी, अरे अरे एक बात बताओ, तुम लोग जो परिभाषा एक दूसरे के कान में सुनाने में लग रहे हो, अगर उसे याद होती जिसके कान में तुम सुना रहे हो तो वो खुद ना सुना रहा होता है? बेचारे के ऐसे के कान में सुनाते वो कहते हाँ हाँ, अब उसे तो बेचारे खुद ना पता जैसा तुम कह रहे हो, हाँ हाँ वो कहते हैं हाँ हाँ सुना, अब तुम सुना रही तो मुझे सुनाओ, उसके कान में सुना दें। हाँ जी ला बताओ बताओ, हाँ बताओ सुने भाई नेता, हाँ ये ठीक है सही है, दो की होगी परिवार, हाँ इतने कोई भारी नहीं है, तीन शब्द है ना। हाँ। अब देखो सर ये तो थे फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग, ठीक है ना, अब सेकंड कैटेगरी वाले लोगों की बात करते हैं जिन्हें मैं बोर्ड पे जो है वो हिंट के साथ बताऊंगा और फिर उसके बाद बताना है। हाँ फर्स्ट वाले खत्म, जितने भी जितने बताना था। अब देखो ये था नियत ताप पर, ताप तो नियत रहना ही है, नियत ताप पर किसी गैस के अणुओं के वेग के वर्ग के औसत को, ये है औसत के वर्गमूल को, मतलब गैस के अणुओं का वेग है, वेग का वर्ग है, वर्ग का औसत है, औसत का वर्गमूल है, उसे वर्ग माध्यम मूल वेग कहते हैं। अब परिभाषा बता दो ना, ना बताइए इन्होंने बता दी, छोड़ो देखो परिभाषा फिर सुनो सुनो, नियत अरे सुनो, नियत ताप पर
किसी गैस के अणुओं के वेग के वर्ग के औसत को, ये बार जो होता है ना बार, वो औसत को दर्शाता है, वर्ग के औसत के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। हाँ बोलियो, बोलना है नहीं, फटे में टांग लानी है बस। हाँ हाँ बोलो, तो तुम क्यों करे, रुक जाओ, रुकने का ना हो रहा है, ऐसे बोल दो। अगर अगर ये परिभाषा तुम इधर देख कर बोलो ना तो बोल दोगी, मुझे देख कर तो बड़े बड़े वैसे ही भूल जाते हैं, उधर देख कर बोलोगे तो बोल दोगी, मेरे थोड़ा ना मत्ते पे लिख रहा है, उधर लिख रहा है। अरे मूल वर्ग को, हाँ जी बोलियो, अरे छोड़ो यार जल्दी बोलो। हाँ है? गलत साफ कर रही हो, रुको एक मिनट सुनो, अरे एक मिनट रुको यार, एक और बात है, अगर कोई एक बोल रहा है तो दूसरे सुनने, तो दूसरों को तो वैसे ही पता चल रहा है, हेरा क्यों काट रहे हो भाई, अब ओ अब आराम से बैठे जो कहते, कोई जो दूसरा बोल रहा है तो उसको सुन भी लो, बोलियो। अब तो हो गया गलत, इतनी रड़ रही हैं, अगर एक बार समझ लेती, एक बार समझ लो तो सिंपल सी बात है, रट रट के सुना रही हो तुम, आगे को रट रट के कर रही हो। हाँ रुकियो, अबे ओ ओ ये जो अटक अटक के प्रैक्टिस करने पर लग रहे हैं कि साहब थोड़े थोड़ा 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 करके रट ले हम पूरा, यार क्या परिभाषा करो भाई। ओ सुनो इधर, अब ओए वो बहुत देर से कोशिश करी, हाँ थोड़ा एक शब्द रह गया, आप कैसे बोलिए जरा, तुम अणुओं का वर्ग कर रही हो, एक शब्द छूट रहा है, हो गया सबका, और कोई बेचारा, अब ओरिजिनल परिभाषा लिख लो फिर, अब है सुना दे, हाँ जी सुना रहे हो क्या, इस बंदे को तो लिखवाए जाओ, वैसा बड़ा मजा आया लिखने में, है ना, अरे बस हो गया। हाँ हाँ बोलो, अब सही है, सिंपल देने वाले बारे परिभाषा का, एक लाइन की परिभाषा हुआ बना दिया उसका, वो जाना क्या करने पर लग गया उसे, रोक लो। हाँ देखो कौन सुना रहा है, अब रहने दो, मौका खत्म हो गया, अब मैं खुद लिखवा रहा हूँ, देखो अबे, अरे यार सुनो, ये जो बोले टाइम लगे टाइम में, हटो कोई नहीं बोलेगा, हाँ आज पहली बार वो कोशिश कर दिया, लो अब वो खत्म हो गया बेचारा, हम तो बोल ही देंगे, हमारे तो कहाँ पे बोलने का, नियत तापर किसी गैस के अणुओं के, बोलो मतलब तापर किसी गैस के अणुओं के वेग के वर्ग के औसत वर्ग के औसत के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं, इंग्लिश में नाम भी लिख लेना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS, पूरी केमिस्ट्री इसका लिखवाया, क्योंकि जब लोग हल्लक में अटक अटक का आवाज आ रही है तो अब पूरा नाम तो लिखना पड़ेगा, ये देखो
वेग, ये वेग तो एक ही बार है। अरे ये नहीं उतारना है, अरे बोलो मत यार, रुक जाओ जरा एक मिनट। ये तो मैंने पहली बार, ये परिभाषा वैसे बताई थी, चलो लिख दो यार, वैसे लिख दो। और बी आर एम एस जो होता है असलियत में वो ऐसा होता है कि 3RT/m होता है, सब कैपिटल है, याद रखना पिछले वाले में पाई था, आपका पाई नहीं है। जहाँ आर बराबर भी वही है, टी बराबर भी वही है और एम बराबर भी वही है। हाँ ये भी लिख दो, ये लिख दो, दोनों। हाँ जा रहे हो बायो लेके मैथ का ट्यूशन पढ़ ले रहे हो? पास कर से मैथ है। बेचारे ने जब भी कोशिश करी ही नियत पर और सारे लोग हाथ पड़े, वो बेचारे का दम निकल गया, रहन दो यार, शर्मा गया। लेकिन तीसरा वाला एडिंग डाल दो, अधिकतम प्राइस पे हो गया टाइम इनका। अधिकतम प्राइस पे किसमें लिखेंगे? अधिकतम प्रायिक वेग में लिख रहे हैं यार, लिख लो भाई, बड़ा परेशान हो रहा है ना। वैसे तो जा रहा हूँ मैं, जाएंगे तभी तो मैंने आज सुबह का किया था। नियत ताप पर गैस के अधिकांश, नियत ताप पर गैस के अधिकांश अणुओं के वेग को, अधिकांश अणुओं का मतलब है ज्यादातर अणुओं का जो वेग होगा, नियत ताप पर गैस के अधिकांश अणुओं के वेग को अधिकतम प्रायिक वेग कहते हैं। गैस के अधिकांश अणुओं के वेग को अधिकतम प्रायिक वेग कहते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। एक लोग तो सबको पता है जहाँ r बराबर क्या, t बराबर क्या, m बराबर क्या, हो गया। देखो इधर, ये अगला हेडिंग है b बार कोमा b r m s, और देखो संबंध कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो b बार अनुपात b r m s अनुपात अल्फा बराबर जो है वो एक फॉर्मूला था ये कि 8RT/πm अनुपात में आ गया, 3RT/m अनुपात में आ गया, ये अब देखो इसमें ना सब में हम mm से गुणा कर देंगे, मतलब सब में mm से अंडर रूट m से जैसे गुणा करेंगे तो ये सब mm कट जाएगा। मतलब अनुपात की खासियत होती है जब गुणा होगी तो सब में होगी, भाग होगी तो सब में होगी, पता है इस बात का? कि जैसे हमारे पास है ये, पता कैसे है ये, ऐसे है जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं x और y,
अगर यहाँ नीचे पाई में सोचो एम है, तो अगर हम ऊपर सब में एम एम से गुणा कर दे तो वो कट जाते हैं। तो ये तो ऐसे ये समझ ला, ये इसके ऊपर है और ऐसे ये इसके ऊपर है, तो ये कट जाते हैं आपस में, कुल मिलाकर सब में भाग हो जाती है, ये गुणा हो जाती है, तो सब में एम खत्म हो जाएगा। तो एम खत्म ना करके ना पहले आर टी, आर टी खत्म कर देंगे, तो सबसे पहले तो बचेगा ये 8 पाई एम अनुपात 3 एम अनुपात 2 अपॉन एम। अब एम एम खत्म कर दो तो यह बचेगा 8 अपॉन पाई अनुपात रूट 3 अनुपात 2। और अगर जो सोल्व करना चाहते हो और सोल्व कर दो, वरना यही संबंध होता है बी बार अनुपात बी आर एम एस अनुपात अल्फा। रूट 3 का मान क्या होता है? और रूट 8 का दो रूट दो पता है, उसे रूट टू का मान कितना होगा? क्या है है? तो उसमें 2 से गुणा कर दो, दोगुना बोलिए अब इसका। जैसे भी टाइप से समझ में जैसे जैसे भी होते हैं वो बड़े बड़े खाने के लिए ये हमारे आगे लाइन बहुत बड़े हैं। देखो क्रेन का मैंने मिलता जुलता एग्जाम्पल बताया कि भाई क्रेन जो है वो जैसे भी